दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या है इसके संबंध में जानेंगे और ये धर्म किस प्रकार से दूसरे धर्मों से अलग है और गौतम बुद्ध के जीवन की वो बातें जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। साथ ही अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये धर्म मनुष्य को सही राह पे ले जाने के लिए सक्षम है या नहीं। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में राजनीतिक स्तर पर समाज के दो वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपस में सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ लगी थी। समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बहुत से परिवर्तन हो रहे थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते धर्म के अंदर बहुत सारे कर्मकांड और आडंबर फैल चुके थे और इन्हीं कर्मकांड और आडंबरों को खत्म करने और धार्मिक सुधार करने के लिए समाज में बहुत सारे संप्रदाय उभर कर सामने आए थे और यह समय धार्मिक सुधार आंदोलन का काल था। इस धार्मिक सुधार को करने के लिए समाज में मुख्य रूप से दो तरह के संप्रदाय उभर कर आए थे, जैसे कि आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय में लोग ईश्वर और भगवान जैसी मान्यताओं पर विश्वास करते थे और इसमें पारंपरिक सनातन धर्म से हटकर कुछ नए संप्रदाय आए थे। इसमें अलवर, नयनार और आजीवक जैसे संप्रदाय आते हैं। नास्तिक संप्रदाय में लोग ईश्वर और भगवान जैसी मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु वे मानवता पर विश्वास रखते थे। नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्म आते हैं और इसी नास्तिक संप्रदाय के मुख्य संप्रदायों में बौद्ध धर्म के बारे में हम आज जानेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की वह सारी परिवर्तन की परिस्थितियां जिनके बारे में हमने ऊपर चर्चा की, यही बौद्ध धर्म के उदय का कारण बनी थी, जिसके कारण समाज में एक नए बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। आइए दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ विशेष बातें जानें। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन, नेपाल में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था और वे शाक्य वंश से संबंधित थे, जो कि दक्षिण नेपाल से संबंधित है, और माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी पत्नी महामाया देवी को संतान होने वाली थी, जिसके लिए वह अपने मायके जा रही थी। इसी क्रम में रास्ते में एक वन जिसका नाम लुम्बिनी वन था, वहां उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और वहां उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और यह लुम्बिनी वन गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बना था। परंतु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था और उनके पिता शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध की देखभाल और लालन पालन के लिए उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। जब शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध की कुंडली दिखाई तो कौंडिन्य ऋषि द्वारा 2 गतियों के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो यह बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। उनके पिता शुद्धोदन गौतम बुद्ध को एक राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वे परेशान रहने लगे कि कहीं उनका पुत्र सन्यास के मार्ग पर न चले जाए, और अपने पिता के इच्छा से उल्टा गौतम बुद्ध वनों में रहना, शांत स्वभाव से चिंतन करना और अकेला रहने का भाव रखते थे। उनके पिता के इसी भय और परेशानी की वजह से 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह करा दिया गया था। यह इसलिए कराया गया था ताकि गौतम बुद्ध विवाह के बाद सांसारिक जीवन में फंस जाएं और सन्यास की तरफ उनका ध्यान न जाए। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ और उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम राहुल रखा गया था। परंतु यह विवाह और पुत्र बंधन भी उन्हें सन्यास से अलग नहीं कर पाए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ। कंथक उनके दरबार का सबसे सक्षम और सफेद घोड़ा था। अपने भ्रमण के क्रम में वहां उन्होंने 4 तरह के दृश्य देखे। पहला, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति का दृश्य देखा जो बहुत ही कमजोर था और उसे देखकर गौतम बुद्ध बड़े ही दुखी हुए। दूसरा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति का दृश्य देखा जो अपनी बीमारी और जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहा था और उसको बहुत कष्ट हो रहा था और उसे देखकर गौतम बुद्ध और भी ज्यादा दुखी हो गए। तीसरा, उन्होंने एक मृत व्यक्ति का दृश्य देखा और उनके मन में यह विचार आया कि इंसान पूरे जीवन में धन, वैभव और अहंकार में लिप्त रहता है, लेकिन उसका अंत तो मृत्यु ही है। चौथा, उन्होंने एक सन्यासी का दृश्य देखा जो प्रसन्न और हर्षित अवस्था में था और उनके मन में विचार आया कि जीवन की सभी दुखों और कष्टों के निवारण के लिए सन्यास ही सबसे बेहतर मार्ग है।
इसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास लेने का फैसला लिया और रात में सबकी निद्रा अवस्था के समय वे अपना गृह त्याग करके संन्यास के लिए निकल गए थे और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उनके गृह त्याग के क्रम में वे इधर उधर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमने लगे और अलग अलग गुरुओं से भेंट भी की। उनका लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति करना था। इस क्रम में उन्हें अपने पहले गुरु मिले जिनका नाम आलार कालाम था। उनसे उनकी भेंट वैशाली बिहार में हुई थी। इनसे गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद गौतम बुद्ध को उनके दूसरे गुरु मिले जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र था और उनसे उनकी भेंट राजगृह बिहार में हुई थी और इनसे भी बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। परंतु इन सब के बाद भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने ज्ञान की प्राप्ति के अभियान को जारी रखा और इस क्रम में वे फिर बिहार के बोधगया पहुँचे। बोधगया पहुँचने के बाद वहाँ उन्होंने निरंजन नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे 49 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की और इसके बाद अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी, अर्थात उनके गृह त्याग करने के 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद उन्हें तथागत और बुद्ध जैसे नामों से जाना जाने लगा था, जिसमें बुद्ध का अर्थ बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला है और तथागत का अर्थ सत्य ज्ञान जिसका है। इसके साथ साथ उन्हें शाक्य मुनि और एशिया के प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। अपनी इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार आरंभ किया। इस क्रम में उनके सबसे पहले 5 शिष्य बने और इन 5 शिष्य में से आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था। इन 5 शिष्यों को उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था और अपना यह सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा और अहिंसा पर जोर दिया, यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार और समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। वर्तमान में भी बौद्ध धर्म कई देशों में विस्तृत है। इस क्रम में उन्होंने अपने बहुत सारे संघ भी बनाए, जिसके माध्यम से उनके बहुत सारे भिक्षुक बनते गए और ये भिक्षुक भी बौद्ध धर्म का प्रसार करते गए थे। इन सब प्रयासों की वजह से लोग इनसे जुड़ते चले गए और धीरे धीरे बौद्ध धर्म लगभग पूर्ण उत्तर भारत में फैल गया था और उत्तर भारत के बड़े और प्रमुख धर्मों में से एक बन गया था। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्रम में बहुत सारे संघ, मठ और विहार बनाए गए थे, जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी रहा करते थे, परंतु तब इसमें सिर्फ पुरुष ही रहा करते थे। बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह के बाद उनके द्वारा इन जगहों पर महिलाओं को भी रहने की अनुमति दे दी गई थी। बुद्ध के अनुसार जब तक यहाँ पुरुष होंगे तब तक बौद्ध धर्म अच्छा चलेगा और इसकी प्रगति होती रहेगी, लेकिन महिलाओं के आने के बाद यह धर्म आने वाले 500 से 1000 वर्ष में अपनी प्रगति खोता चला जाएगा। बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति देने के बाद जो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जिनके संबंध में हमने ऊपर भी चर्चा की थी, वह उनकी प्रथम महिला शिष्य और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला बनी थी। इसके साथ साथ उस समय की वैशाली की प्रमुख नृत्यांगना जिनका नाम आम्रपाली था, उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अगर अब बात करें कि बौद्ध धर्म के नियमों का पालन सही तरह से हो रहा है या नहीं, उसके लिए हर 15 दिनों के भीतर एक सभा रखी जाती है और उसमें बौद्ध भिक्षुओं ने अगर कोई नियम तोड़ा है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं, और इसमें 4 मुख्य नियम जिन्हें तोड़ने पर किसी बौद्ध भिक्षु को संघ से निकाल दिया जाता है और दोबारा कभी भी उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता है। वे 4 मुख्य नियम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अपने अधिकार से ज्यादा अपने पास इकट्ठा करना। दूसरा, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। तीसरा, झूठा दावा करना कि उसे आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। चौथा, किसी की हत्या करना। इस क्रम में बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए, जो कौशल की राजधानी थी और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हो गई थी। इस घटना को महाप्रनिर्वाण कहा जाता है और उन्होंने अपने पूरे जीवन में नैतिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था।
सबसे ज्यादा मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इसे पश्चिमी एशिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंचाया था। ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। उन दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में रहते हैं। गुप्तकाल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था, किंतु ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग उन इलाकों में अब नहीं के बराबर ही है। बौद्ध संप्रदाय में भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते दो भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी वज्रयान। झेन, ताओ, शिंतो आदि अनेकों बौद्ध संप्रदाय भी उन दो संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे सनातन धर्म में हुआ था कि मनुष्यों ने खुद ही एक धर्म का बंटवारा कर करके अनेक धर्म बना दिए, वैसे ही बुद्ध धर्म में भी हुआ है। तो इससे साबित होता है कि धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, मनुष्य खुद ही अपने हिसाब से धर्म को बदल देता है। जो मनुष्य अच्छा होता है वो धर्म से सिर्फ अच्छी चीजें सीखता है और जो बुरा होता है वो सिर्फ बुरी चीजें सीखता है। अंत में अगर दो शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं, अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास कहना चाहिए, यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो ये थी बुद्ध धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और अनसुनी बातें। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें नीचे दिए हुए बटन को दबा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।